Hello, good morning to everyone. Today's topic is teaching learning process. Teaching learning process के बारे में हम आज discuss करने वाले हैं. सबसे पहले teaching क्या होती है, learning क्या होती है, उसको define करेंगे. Teaching आप किसी को guide करते हैं, किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, और learning जो सामने वाला उसको सीखता है. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि learning और teaching के अंदर बिहेवियर में चेंज आता है. टीचिंग क्या होता है कि बिहेवियर चेंज होगा, और लर्निंग होगा बिहेवियर मॉडिफिकेशंस. लर्निंग की हम बुक की डेफिनेशन आप डिस्कस करेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस होंगे, और वो मॉडिफिकेशंस किस कारण से होंगे, वो होंगे आपके सेल्फ एक्टिविटीज़ की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से. ये सारे कारण होते हैं आपकी बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के. दूसरा जो हम टॉपिक है, पॉइंट है, वो हम पढ़ेंगे कि लर्निंग की नेचर कैसी होगी, लर्निंग की नेचर कौन सी होगी, उसकी थ्योरीज कौन कौन सी होगी. तो सबसे पहले जो नेचर थ्योरीज होगी वो है, दो टाइप की थ्योरी है. एक तो बिहेवियरल थ्योरी आती है, और दूसरी आती है कॉग्निटिव थ्योरीज. बिहेवियरल थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, और उस आइडियाज़ में क्या क्या चेंज है, और उसको आप कैसे सीख रहे हैं चीज़ को. और कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर हम ऐसे पढ़ेंगे कि चीज़ों को इमेजिन करके, थिंक करके, अंडरस्टैंड करना, और उसको फिर सीखना. ये आता है कॉग्निटिव थ्योरीज के अंदर. अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं, तो लर्निंग प्रोसेस के जो स्टेप है उनको हम 5 पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं, या 5 स्टेप्स बोल सकते हैं इसके. सबसे पहला जो स्टेप है वो है मोटिव ऑफ लर्नर. लर्नर का एक मोटिव होना चाहिए, एक नीड होनी चाहिए. दूसरा जो पॉइंट आता है वो है एस्टैब्लिशिंग द गोल. मतलब आप अपने गोल को एस्टैब्लिश करो कि आपको क्या अचीव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लर्निंग करो. थर्ड जो आता है वो है टीचर स्टूडेंट एडजस्टमेंट. टीचर और स्टूडेंट का एडजस्टमेंट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे वो लर्नर है वो टीचर से अच्छे से सीख पाए. फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है चेंज इन बिहेवियर ऑफ प्यूपिल. मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आएगा लर्निंग से. फिफ्थ जो पॉइंट आएगा वो है फिक्सेशन ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ बिहेवियर. धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर वो स्टेबलाइज होता जाएगा, फिक्स होता जाएगा, जिससे उसके बिहेवियर में कंटिन्यू मॉडिफिकेशंस आते जाएंगे. ये है स्टेप्स ऑफ लर्निंग. उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग हम पढ़ेंगे. एलिमेंट्स में क्या क्या आएंगे, एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर सबसे पहला आएगा ग्रुप प्रोसेसिंग. दूसरा जो आएगा वो इंडिविजुअल एंड ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी. तीसरा आएगा प्रमोट फेस टू फेस इंटरेक्शन. फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. और फिफ्थ पॉइंट आएगा लर्निंग सोशल स्किल्स. ये सारे आएंगे एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर. उसके बाद हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है लर्निंग का करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. लर्निंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. सबसे पहले ये यूनिटरी प्रोसेस है. दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है इंडिविजुअल एंड सोशल है ये प्रोसेस. इंडिविजुअल एंड सोशल के अलावा इसका है, ये है प्रपोजिव. मतलब इसके पर्पज होंगे, आपको किसी चीज़ को सीखने के लिए आपके गोल, आपके एम डिसाइडेड होंगे. फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है इट इज़ क्रिएटिव. ये क्रिएटिव होगा, मतलब इसमें आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, नई नई खोज करेंगे, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. फिफ्थ जो पॉइंट आएगा वो है इट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. मतलब ये इंडिविजुअल के बिहेवियर में कंटिन्यू मॉडिफिकेशंस करता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकता है एक्सपीरियंस से अपने. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इसके अंदर
जो स्टूडेंट्स होता है उनकी लर्निंग के थ्रू कंटिन्यू डेवलपमेंट होता है, उनकी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ के अंदर कंटिन्यू चेंजेस होते हैं और ये सारे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कंटिन्यू प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसके अंदर, ब्रिंग प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं कि कंटिन्यू बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस होगा, चेंजेस होंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सेकंड थॉट जो हमारा पॉइंट आता है वो है मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट, कि आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, उससे मोटिवेट हो रहे हैं, इन्वायरमेंट से मोटिवेट हो रहे हैं, टीचिंग से मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो सब भी इस पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है एज ए यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब होता है कि मैन जो होता है वो अदर एनिमल की तुलना में हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लर्न करता है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थॉट्स का होता है। फोर्थ जो पॉइंट हम पढ़ते हैं वो है नेवर एंडिंग ग्रोथ ऑफ लर्निंग, या इसके बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे आपकी चाइल्ड एज हो, चाहे वो आपकी एडल्ट एज हो या ओल्ड एज हो, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। और अगर आप किसी चीज़ को अचीव करते हैं तो आपकी और इच्छा होती है, आपकी और डिज़ायर होती है कि आप आगे और भी अच्छा करें, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है प्रोसेस। इसके बाद हम अगला जो पॉइंट है वो है इट इज़ गोल डायरेक्टिव। गोल डायरेक्टिव हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपका गोल डिसाइड होगा, आपका टारगेट डिसाइड होगा कि आपको क्या चीज़ सीखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सीखते जाएंगे, उसमें अचीवमेंट लेते जाएंगे, तो ये इस पॉइंट का डिस्क्राइब किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव एंड क्रिएटिव। लर्निंग क्या होती है, एक्टिव होगी, लर्नर होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब एक्टिव लिसनिंग करना चाहिए उसको, और टीचर भी एक्टिव होना चाहिए जिससे कि लर्निंग अच्छी हो सके। और क्रिएटिव भी होना चाहिए जिससे कि आपकी नई नई चीज़ें सीखने को मिले आपको इन्वायरमेंट से या सोसाइटी से या स्टूडेंट्स लाइफ में अदर चीज़ें। इसके बाद लर्निंग इसके अंदर नीड्स होनी चाहिए आपके पास, आपको किसी चीज़ की डिज़ायर है, किसी चीज़ की नीड है, तो आप उसको लर्न कर पाएंगे बहुत अच्छे से, तो वो भी एक पॉइंट आता है इसके अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, मतलब इसके अंदर आप जब चीज़ों को सीखते हैं तो अपने आइडियाज़ का ट्रांसफ़र करते हैं, अपने कंटेंट या सिमिलर कंटेंट का ट्रांसफ़र करते हैं, या इंटरेस्ट दिखाते हैं, या अपने एटीट्यूड्स को दिखाते हैं, तो वो सब आता है ट्रांसफरेबल के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है इसके अंदर ये टोटल जो लर्निंग का है वो पॉसिबल और कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड कोनेटिव साइड है। लर्निंग इज ऑन कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड कोनेटिव साइड। इसके अंदर नॉलेज का मॉडिफिकेशंस होगा, इमोशंस का होगा, और दूसरा जनरली आप जो लर्न करते हैं चीज़ें वो थ्री डायमेंशन होती है, मतलब इसके अंदर थ्री डायमेंशन ऐसे हो गई, टीचर, लर्नर यानी कि स्टूडेंट एंड मैटर यानी कि सब्जेक्ट, ये थ्री डायमेंशन हो चुकी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के डोमेन्स कौन कौन से होंगे, पहला आएगा साइकोमोटर, दूसरा आएगा कॉग्निटिव, और तीसरा आएगा अफेक्टिव। कॉग्निटिव जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कॉग्निटिव का मीन्स होता है कि चीज़ों को इमेजिन करना, उसको इमेजिन करके उसको अंडरस्टैंड करना और उसके बाद में उसको लर्न करना, ये आता है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। सेकेंड जो आएगा वो है अफेक्टिव डोमेन्स के अंदर। अफेक्टिव डोमेन्स के अंदर ये आएगा कि इसके अंदर आपकी फीलिंग्स, आपके इंटरेस्ट, आपके एटीट्यूड्स, आपके अप्रिशिएशंस, ये सब मैटर करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो डोमेन पढ़ने वाले हैं वो है साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन के अंदर हम ऐसे कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल एंड मस्कुलाइन एबिलिटी कंपलसरी होती है, या टास्क को परफॉर्म करने के लिए दोनों एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर लेना, या फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी प्रैक्टिस, या स्किल प्रैक्टिस, या क्लिनिकल प्रैक्टिस, केस स्टडीज़ वगैरह, तो इसके अंदर साइकोमोटर डोमेन काम में आता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो इन सब के अंदर हम दो टाइप के फैक्टर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला आएगा इंट्रेंसिक फैक्टर और सेकंड आएगा एक्सट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर के अंदर हम पढ़ते हैं एज। एज के बारे में हम बोला जाए तो एज एक
छोटे बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो एक एक एडल्ट ओल्ड एज जो पर्सन होता है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक ओल्ड एज पर्सन को लर्न करने में जितनी डिफ़िकल्टी आती है उतनी एक छोटे बच्चे को नहीं आती है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप सब एवरेज इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उसकी तुलना में जो नॉर्मल लेवल का जो इंटेलिजेंट लेवल बच्चा है वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को लर्न कर पाएगा। थर्ड जो आएगा वो है अटेंशन। अटेंशन जो है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। अगर आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर प्रॉपर अटेंशन मिल रही है तो आप उसको प्रॉपर लर्न कर पा रहे हो, चीज़ों को सीख पा रहे हो। अगर आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही है तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे और वो हो जाएगा पुअर लर्निंग का कारण। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होगा कि आप लर्निंग के अंदर किसी चीज़ को सीखने के अंदर, जैसे मान लो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर या लेबोरेटरी प्रैक्टिस है या अदर चीज़ें हैं, क्लासरूम के अंदर आप कोई लेक्चर चल रहा है तो उसको सीखने के अंदर अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी और भी अच्छी होती जाएगी। और इफ़ अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। फिफ्थ जो पॉइंट आएगा वो है होलिस्टिक हेल्थ। अगर आप मेंटली एंड फिजिकली फिट है तो वो आपकी लर्निंग कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है और ज़्यादा चीज़ों को क्रिएटिव बनाता है, और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे आप चीज़ों को सीखने में, ये भी मैटर करता है। सिक्स जो पॉइंट आएगा वो है फैटिग। फैटिग जो होगा वो है अगर आप फिजिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होने पर क्या होगा कि आप मेंटली फैटिग महसूस करेंगे या फिजिकली फैटिग महसूस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म होता जाएगा चीज़ों को सीखने के लिए। तो वो चीज़ होती है वो फैटिग के कारण लर्निंग की जो एक्टिविटीज़ होगी वो कम होती चली जाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है इनसाइट। अगर आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं या कोई रोल प्ले कर रहे हैं या किसी भी प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनसाइट प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्टिवली इनसाइट प्रेजेंट है तो आप अपने गोल को एक्टिवली अचीव कर सकते हैं, उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो है एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी और कैपेसिटी आप एनिमल्स की स्पीसीज, अलग अलग एनिमल्स की स्पीसीज पर डिपेंड करती है। अगर जैसे मैन की कैपेसिटी होती है वो अदर एनिमल की तुलना में लर्निंग की बहुत ज़्यादा होती है तो वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो जनरली आपको कोई चीज़ सीखने से अगर आप मोटिवेट हो रहे हो या कोई टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है तो आपको लर्न करने में मज़ा आता है, आपको सीखने में अच्छा लगता है या किसी चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हो। तो ये भी एक पॉइंट आता है इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर। नेक्स्ट जो आता है वो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को, जिसमें पहला है नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज की नेचर कैसी है? अगर नॉलेज है वो इंटरेस्टिंग है तो लर्न करने में और भी ज़्यादा, इंडिविजुअल को लर्न करने में इफ़ेक्टिवली दिखेगा। मतलब वो अपने सारे एफिशिएंसीज लगा देगा उसको लर्न करने के लिए अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो। नेक्स्ट जो आएगा वो है मीनिंगफुलनेस ऑफ कंटेंट। अगर कंटेंट है वो मीनिंगलेस है तो आपको लर्न करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर वही कंटेंट अगर मीनिंगफुल है, यानी कि उसका कोई मीन निकलता है, तो वही आप इंटरेस्ट दिखा के उसको लर्न करते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हैं वो, इन सब से आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट के लिए प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और ऐसे नेक्स्ट जैसे हम बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ नोज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, रोडेंट एंड इंसेक्ट फ्री इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, गुड लाइब्रेरी रिसोर्सेज हो सकते हैं, ये सारे पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो ये भी लर्निंग को अच्छा बनाते हैं। क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, अगर लर्नर की जो कंटेंट की क्लैरिटी है वो अच्छी है या वो अच्छे से लर्न कर पा रहा है, और अगर टीचर है वो अच्छे कंटेंट को दे रहा है, स्टूडेंट्स को अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, या फिर उसकी फॉन्ट में क्लैरिटी है या स्पीच में क्लैरिटी है या कंटेंट अच्छा है तो वो अच्छी लर्निंग दे पा रहा है और अच्छे से लर्निंग हो पा रही है। नेक्स्ट आएगा टास्क ओरिएंटेड।
टास्क ओरिएंटेड के अंदर अगर आप किसी भी टास्क को करने के लिए प्रॉपरली उसमें एंगेज्ड हो जाते हैं तो आप अच्छे से लर्न कर पाते हैं, ये भी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट आएगी वैरायटी ऑफ कंटेंट एंड टीचिंग मेथड। अगर टीचर्स है वो कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसके अंदर उसने बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी वैरायटीज़ डाल दी है, तो वो चीज़ों को और ज़्यादा इजी बनाता है, लर्निंग को और ज़्यादा इजी बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, जिससे आप भी उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाते हो, चीज़ों को सीखते हो, लिसनिंग करते हो। ये पॉइंट भी यहाँ पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। अगर स्टूडेंट और टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट म्यूचुअल है, बराबर है, तो लर्निंग अच्छी हो पाती है, और इन्वॉल्वमेंट है वो उसकी वजह से मोटिवेट भी होते हैं स्टूडेंट्स, मोटिवेट होने के बाद वो अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा टीचर एंथुसियाज्म। ये जो कारण होता है वो है कि टीचर्स के अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए टॉपिक को सिखाने का, बोलने का, चीज़ों को बताने का, जिससे सामने वाला जो लर्नर है वो अच्छे से चीज़ों को उसी इंटरेस्ट के साथ सीख पाए, ये भी इसके अंदर हम पढ़ते हैं। थैंक यू।